गठबंधन प्रत्याशी रुचिवीरा समेत पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज, विवादित टिप्पणी को लेकर के केस दर्ज किया गया है। रविवार के दिन थाना मुगलपुरा स्थित जीआईसी कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 14 अप्रैल के दिन इस कार्यक्रम के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी घटना से लोगों को बचाए जाने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई। थाना मुगलपुरा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया कि सपा व कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार रुचिवीरा बैरिकेडिंग तोड़े जाने का प्रयास किया और इतना ही नहीं हमलावर होकर की सरकार के कार्य में बाधा भी उत्पन्न की है और भड़काऊ भाषण दिया है, जिसको लेकर के केस दर्ज किया गया है। पहले पहुंचिए, क्या मामला है आज? देखिए, हम लोग पहले तो अभी एसपी साहब से मिले, हमारे जो लोग जो चुनाव में मतलब चुनाव लड़ा रहे हैं उनको भयभीत करने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। हमारे एक जो जिनके की फादर भी दो बार विधायक रह चुके, उनके भाई भी विधायक रह चुके, वो खुद भी जिला पंचायत के मेंबर हैं, उन पर आज तक शायद कभी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन परसों उनके ऊपर एक 307 का मुकदमा झूठा लिखा गया है। और जो घटना का समय बताया गया है उस वक्त वो घटना स्थल पे न होके वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मीटिंग होने वाली थी वो वहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ की घटना दिखाई है वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी है और घटना के समय पर वो किसी भी तरह से मतलब हम मौजूद नहीं थे, वो उनके कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हमारे पास सब वीडियो रिकॉर्डिंग है क्योंकि भाई जब प्रोग्राम चल रहा है तो भाई सब जगह वीडियो रिकॉर्डिंग होती ही है, फोटो तो खींचते ही हैं। तो वो वहाँ मतलब उन पर कहने का मकसद ये है कि 100% उनको झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। एक हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया है, पूरी तैयारी है। और अभी हम मुझे आशंका है कि वोट डलने तक ना मालूम कितने मेरे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखवाए जाएंगे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। डीएम साहब से मैं मिली, पहले हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 तारीख में मौसम खराब होने की वजह से प्रोग्राम में नहीं पहुँच पाए थे, तो हमने दोबारा उस जगह की जो कि जीआईसी है यहाँ थाना मुगलपुरा में जो वहाँ हमने जीआईसी की राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज की वो डाली परमिशन, वहाँ हमें नहीं दी गई। फिर जब यहाँ नहीं दी, मुरादाबाद में नहीं दी, तो फिर हमने सोचा कि विद्या लोकसभा के किसी और दूसरी जगह करा लेते हैं। फिर हमने भोजपुर जो राजकीय विद्यालय है उस विद्यालय की कृषि भूमि है जो कि उससे खासी दूर है, 500 मीटर दूर या लगभग इतनी दूर है कृषि भूमि, फिर हमने वहाँ की प्रधानाचार्य ने पहले NOC दे दी, DIOS ने, SDM ने, सब ने कंसेंट दे दी, सारी हमारे ट्रक टेंट और सब सामान लेके कुर्सियाँ लेके हमारी गाड़ियाँ वहाँ मौके पर पहुँच गई। और रात को 9 बजे हमारे जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जयवीर यादव जी उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लेटर आ गया कि आपकी परमिशन निरस्त हो गई। मैंने DM साहब को फ़ोन किया कि भाई हमारा सामान पहुंच गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम जारी हो गया और भाई ये इस तरह से मतलब आखिरी मिनट पे हमारी रैली को आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं उसको कैंसिल आपने कर दिया, तो भाई क्या किस बुनियाद पे किया है? तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल है और वहाँ बूथ बनने हैं। मैंने कहा जी ये तो स्कूल का कैंपस ही नहीं है, तो स्कूल की कृषि भूमि है। अब उन्होंने इस संबंध में हम उनसे मिले कि भाई हमारे साथ जाती ना हो, हमारे लोगों को भयभीत ना किया जाए, हमें कोई भी कार्यक्रम करने में परेशान ना किया जाए, क्योंकि हम कई दिनों से लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। जो ये अधिकारी हैं हमें मीटिंग करने में हर जगह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब DM साहब ने आश्वासन अब दिया है कि भाई हम चलिए देखते हैं और अनुमति कराते हैं। आप समझते हैं कि 24 घंटे का भी समय अब नहीं बचा है, तो जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग ना हो सके, आप समझते हैं टेंट का लगना सब होना, वहाँ सब लोगों को सूचित करना 24 घंटे में चुनाव के आखिरी वक्त पे, तो हम ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बाधा डाली जा रही है बराबर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित ना कर सकें, हमारे और शीर्षस्थ नेता लोगों से अपनी बात ना रख सकें, उनमें
उल्लास और मतलब जो जोश न भर सकें, ये पूरी चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये तैयारी है। आप खुद मुझे बताएं कि 24 घंटे का भी समय नहीं है और अभी तक हमारे हाथ में कोई परमिशन नहीं है। अब देखिए बाकी ऊपर वाला मालिक है, आप भी समझते हैं, हम भी अपने कार्यकर्ता, अगर मिल जाएगी परमिशन तो भाई अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके आपको बताएंगे। ठीक, मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।